हम अटल करते हैं और यहाँ एक टी स्टॉल दिखा। ये स्टॉल मैं आपको बता दूं कि चाय को लेकर पिछले 8-10 सालों से जो अफरा तफरी है, अभी ग्रेजुएट चाय वाली को देखिए कितना शोहरत मिला, सोशल मीडिया के ही जरिए मिला था। और चाय वाले के बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि गुजरात से उन्होंने शुरू किया और भारत को संभाल रहे हैं। हमारे निज़ाम भारत के चाय से ही शुरुआत हुई थी। तो टी स्टॉल पे हम आ रहे हैं, इनसे कुछ ओपिनियन लेते हैं। यहाँ क्या कुछ बदलाव हुआ? भैया क्या नाम है आपका? अरे खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? राकेश जी, आप यहाँ से लोकल बाहर से आप दीघा के हैं? आप ये कब से लगाते हैं? ये यहाँ से स्टार्ट होने के बाद अच्छा 24 जून को मैं बता दूं कि इसकी शुरुआत यहाँ ओपनिंग हो गई थी 24 जून को, और उसके बाद ये 26 से लगा रहे हैं। क्या कोई लगाने के बाद रंगदारी या कुछ टैक्स करके कुछ नगर निगम प्रॉब्लम? मैं नगर निगम प्रॉब्लम इसलिए कर रहा है कि मैं बता दूं आपको, भारत सरकार का शहरी और आवास जो विकास निगम है और बिहार सरकार का जो निगम है, वो दोनों मिलित मिश्रित रूप से ये काम कर रहे हैं। ये मैं बता दूं, दीघा से दीदारगंज का 20.5 किलोमीटर का है, 13 मीटर ऊंचाई बांध पे ये बना हुआ है, तो इसलिए नगर निगम कुछ अगर करते होंगे। हालांकि रूल की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि वो टैक्स लें, पैसा लें, ऐसा देयर इज नो प्रोविजन अंडर लॉ, और ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं होता है। इसके अलावा इसके खुल जाने से आपको आर्थिक रूप से क्या मदद मिल रही है? बहुत बढ़िया। आप कितना तक पढ़े? ये भी ग्रेजुएट है, चाय वाली जो लड़की है वो ग्रेजुएट चाय वाली, हालांकि उनका ब्रांड बन चुका है। भैया भी ग्रेजुएट है, सुन लीजिए कान खोल कर, ये उन लोगों पर जोरदार तमाचा है जो बेरोजगारी भत्ता का काम ही भरते हैं। भाई साहब ग्रेजुएट है और ग्रेजुएट होने के बाद चाय की दुकान लगा रहे हैं, ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये बेरोजगार हैं। ये प्रश्न हमारे देश और हमारे राज्य की सियासत से, मैं नहीं कह रहा, ये व्यक्ति जो ग्रेजुएट है इनको चाय बेचने पर विवश किया है हमारी सरकार ने। मैं सीधे इसलिए आरोप लगा रहा हूँ क्योंकि ये सत्य है और इसे टाला नहीं जा सकता। गरीबी द्वारा भी धमकी मिल रही है, तो ग्रेजुएट दूसरे में रोजगार लगाए हैं, तो आप ये पूछा नहीं कि हटा क्यों रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अच्छा ये ऑर्डर है उनके पास के ऐसे अकेले में ऐसा कुछ बात हुआ है कि भैया दे दो कर लेंगे? साहित्य और फिलोसफी में कई विद्वान ये कहते हैं कि जब जब सत्ता पे बैठे लोग मतांध होते हैं, तब तब जमीन पे चलने वाले लोग सत्ता पे बैठे शीर्ष में लोगों के गले में हाथ लगाकर सत्ता से शून्य करके सर को मिला देते हैं। ये उनको कानों तक जानी चाहिए बात, इसलिए क्योंकि ये बंदा ग्रेजुएट और काम कर रहा है, एक वैकल्पिक उपाय नहीं बताकर इसके रोजगार को छीनने की ये धमकी है। ये क्या है? तानाशाही है, इसी को डिक्टेटरशिप कहते हैं। गवर्नमेंट कई तरह से होती है, मैं संविधान नहीं पढ़ाने बैठा लेकिन मैं बता देता हूँ, डिक्टेटरशिप का ये पहला चरण ऐसा हुआ तो पतन होगा। जिस बिहार में पूरे भारत का इतिहास का सफर बिहार के भूमि से होता है, उस बिहार में ये ऐसा है। आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।